हीट वेव्स की वजह से सैटेलाइट से देखा जाए तो इंडिया कुछ ऐसा दिखता है। इस वक्त सऊदी अरबिया, ओमान, सूडान और अफ्रीका के कई सारे देशों से ज्यादा गर्म इंडिया है। चलिए जानते हैं ये हीट वेव होता क्या है। आदाब, मैं हूं गौरव वानी, आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। क्या आप कभी ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ बाहर से हवा आती जाती नहीं हो, पसीने छूटने लगते हैं? हीट वेव तब फॉर्म हो जाती है जब एक एरिया के एटमोसफियर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हीट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और उस एरिया से निकल नहीं पाती है। इस हाई प्रेशर एरिया में विंड्स आ नहीं पाती है, वो भी ट्रैप हो जाती है, जैसे प्रेशर कुकर में होता है। हीट वेव से खैर गर्मी तो लगती है, लेकिन इसे देश की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। आज भी इंडिया में 75% लोग फिजिकल रिलेटेड काम करते हैं, चाहे कोई गार्ड लगाता है, कोई रेजिडेंशियल टावर या कोई रिक्शा चलाता है। ये सब काम दिन में होते हैं, तपती धूप में। ये लोग हमारी जीडीपी में 1/3% कंट्रीब्यूट करते हैं। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5-10% कम होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल्दी थकान महसूस हो जाता है। सोचो, अगर गर्मी की वजह से इंडिया काम नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इस सब का हल है एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी बने, तभी कोई बात बन सकती है। हम सब का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज रियल है, जिससे फिर बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।